दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप एक पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो उस समय आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जो कि उससे पहले आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का जो परफेक्ट साइज़ होता है पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, उसका आप परफेक्ट साइज़ में यानी साइज़ को आप कैसे बना सकते हैं। जब तक आप उसका फॉर्मेट परफेक्ट साइज़ नहीं बनाते हैं तो आप अगर फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं तो वहां पर आपका नहीं लिया जाता है। फिर उसमें आपको कहा जाता है कि इसका जो परफेक्ट साइज़ है उस साइज़ में आप अपलोड करें, तभी यहां पर आपका एक्सेप्ट लिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर का जो परफेक्ट साइज़ होता है उसका परफेक्ट साइज़ आप कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोग से कुछ कहना है कि ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो यार जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना है, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो यार जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए उसमें जो फ़ोटो और सिग्नेचर होता है उसका परफेक्ट साइज़ आप कैसे बना सकते हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं लैपटॉप के माध्यम से। अगर आपके पास कंप्यूटर होता है तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है तो आप किस प्रकार से साइज़ बना सकते हैं, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास फ़ोटो और सिग्नेचर मौजूद है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो किस प्रकार से इसको परफेक्ट साइज़ बनाना है, तो चलिए फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपका जहां पर भी फ़ोटो और सिग्नेचर है यहां पर आपको ओपन कर लेना है। तो इस प्रकार से यहां पर हमने कर लिया, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहां पर आपको फ़ोटो का परफेक्ट साइज़ कैसे बनाना है। तो यहां पर हमारा फ़ोटो आ चुका है, तो उससे पहले दोस्तों यहां पर आपको एक फ़ाइल लेना है, न्यू फाइल, जिसके लिए यहाँ पर आपको फ़ाइल पर क्लिक करना है और या फिर आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। तो फाइल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको न्यू मिल जाएगा, जो कंट्रोल एन भी आप प्रेस कर सकते हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको साइज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना फाइल का नाम भी आप कुछ रख सकते हैं। यहाँ पर कस्टम दिया हुआ है, आपको कस्टम में ही रहने देना है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो का साइज़ कितना होने वाला है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पिक्सल सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा सेलेक्ट किया हुआ है, पिक्सल में सेलेक्ट कर लेना है और इसका यहाँ पर आपको दे देना है 213 देना है, इस प्रकार से आपको देना है और इसमें भी आपको 213 देना है। तो दोस्तों विड्थ और हाइट आपको 213 देना है यानी 213 देना है और इसका रिजोल्यूशन आपको 300 आपको रख देना है और उसके बाद ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस प्रकार से यहां पर आपका न्यू पेज बन जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको ये फ़ोटो जो है आपको अल्ट प्रेस करके इस प्रकार से आपको इसमें रिमूव कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। टी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है यहाँ पर आपको आ जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है और इस प्रकार से आपको फ़ोटो को आपको साइज़ को छोटा करना है, जैसे कि यहाँ पर आप अपना ड्रैग करेंगे जैसे आप यहाँ पर पेज पर, वैसे आपका फ़ोटो यहाँ काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको एडजस्ट करते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम आपको दिखाते हैं। प्रकार से यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसे कि हमारा आ चुका है। अब यहाँ से आपको इस तरह से परफेक्ट साइज़ में इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर आपको इस तरह से पूरे अच्छे तरीके से करना है। अब यहाँ पर हमारा उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से आपको करना है और यहाँ से आपको ड्रैग करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट में हो चुका है। इस प्रकार से आपको करना है और उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिग्नेचर का बात करते हैं, तो इसको भी हम चाहें तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं। चलिए सेव एज हम कर लेते हैं। सेव एज करने से फ़ायदा यही है कि आप कभी भी फिर इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेव एज पर आ जाना है और आने के बाद यहाँ पर आप कोई भी फाइल नेम आप रख सकते हैं जिसमें भी आपको सेव करना है, उसको यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फोटो यहाँ पर टाइप कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट में आ जाना है और यहाँ पर आपको JPG सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद सेव पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है फोटो का, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि सिग्नेचर का आपको किस प्रकार से लेना है। सिग्नेचर के लिए आपको फिर से फाइल में आना है या फिर आपको कंट्रोल एन डायरेक्ट प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर यहाँ से आपको सिग्नेचर का जो परफेक्ट साइज़ होता है उसको भी यहाँ से आपको साइज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ वैसे ही रहने देना है, जैसे पिक्सल यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो वैसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट रखना है। सिर्फ यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट यहाँ पर आपको चेंज करना है। विड्थ में आपको कर देना है 444 करना है, जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको 444 करना है और यहाँ पर आपका हाइट हो जाएगा
205 यहाँ पर आपको कर देना है, यानी 205 कर देना है। उसके बाद दोस्तों रेजोल्यूशन में आपको 600 इस प्रकार से आपको कर देना है, और सारी चीज़ आपको पिक्सल में ही आपको सेलेक्ट रखना है, और उसके बाद ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका न्यू पेज आ जाएगा, और उसी तरीके से फिर से यहाँ पर आपको इसको ड्रैग करना है। इस पेज में आपको लाना है सिग्नेचर को, जैसे कि यहाँ पर हम ला चुके हैं। अब इसको लाने के बाद यहाँ पर आपको पूरा परफेक्ट साइज बनाना है। अगर आपका साइज नहीं आता है तो आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से अपना साइज को अपने अनुसार से एडजस्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर हम कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल ई पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका साइज कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा हो चुका है। तो सेव करने के लिए आपको फाइल पर आ जाना है, फिर आपको सेव एज पर क्लिक करना है, और फिर से यहाँ पर आप किस में आप सेव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको फॉर्मेट JPG आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना फाइल नेम भी टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद सेव पर क्लिक करना है, और फिर से आपको ओके वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा दोनों परफेक्ट साइज हो चुका है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमने डेस्कटॉप में सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना फोटो यहाँ पर टाइप किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ओपन करते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट साइज हो चुका है। अभी बात दोस्तों हम सिग्नेचर का बात करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिग्नेचर भी आ चुका है। तो चलिए सिग्नेचर को भी ओपन कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट साइज हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप काफी आसानी तरीके से परफेक्ट साइज बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के भी साथ शेयर करें। तो चलिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।